बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां विस्थापन का मुद्दा राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रहा है। उत्तराखंड और आपदाओं का एक ऐसा संबंध रहा है जिससे हर साल सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कई परिवारों के सिरों से छत छिन जाती है और उसके बाद इंतजार रहता है विस्थापन का। ऐसा ही मामला पिथौरागढ़ के बस्तरी गांव से सामने आया है, ये रिपोर्ट इस पर देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से आपदाओं का कहर लगातार जारी है। हर साल लोग इसकी जद में आते हैं, वहीं इन लोगों के विस्थापन पर सिर्फ बड़े बड़े वादे और दावे होते हैं, लेकिन कोई नीति ऐसी नहीं बनती जिससे पीड़ितों को राहत मिल पाए। मामला पिथौरागढ़ के बस्तड़ी गांव का है, जहां जुलाई के शुरुआती दिनों में आई आसमानी आफत से गाँव के 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 160 परिवार प्रभावित हुए, लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बाद भी ये लोग विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, पानी नहीं मिल पा रहा, मकान जर्जर हालत में है। कुल मिलाकर गांव में गुजर बसर करने जैसी स्थिति नहीं है। एक तरफ आम लोग परेशान हैं, तो वहीं इस पर सियासत तेज है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में डीडीहाट के विधायक विशन सिंह चुफाल का कहना है कि आपदा से उनके क्षेत्र में भारी तबाही हुई, ऐसे में सरकार को इनके लिए सुरक्षित जगह तलाश कर इन्हें तत्काल विस्थापित करने की जरूरत है। जो लोग बिल्कुल शिविरों में रहते हैं, वो 150 परिवार के लोग हैं। उन 150 परिवार के लोग चाहते हैं कि हमको पुनर्वास किया जाए, उनकी एक ही मांग है कि हमको कहीं सुरक्षित स्थान। लेकिन सरकार की ओर से प्रशासन का एक ही उत्तर है कि आप जमीन ढूंढें। जमीन ढूंढने का काम सरकार का है, प्रशासन का है, शासन का है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम जमीन कहाँ से। उस ग्राम पंचायत के अंदर का जहाँ पर रहते हैं, कहीं भी जमीन सुरक्षित स्थान नहीं है। वहीं इस मसले पर सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि बस्तड़ी में जिस तरीके से आपदा का कहर लोगों पर टूटा था, उसके लिए सरकार ने एक कदम आगे आकर मुआवजा दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं जिलाधिकारी से कहा है मैंने कि वो फाइनल करके हमको बता दे, और बताने के बाद वहाँ पर बसाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और मैंने इसीलिए बस्तड़ी की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रभावित लोगों के लिए प्रति मृतक भी धनराशि बढ़ाई है, और मकानों के लिए भी मैंने 1,00,000 रुपए की धनराशि और बढ़ा दी है जो पहले से दी जाती थी उसमें जो है। और भी यदि जरूरत पड़ेगी तो हम बस्तड़ी को बसाने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। चुनावी मौसम है, लिहाजा दावे और वादों से भरपूर नारे सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता की उस आवाज का क्या जो आपदा के बाद अपनी बर्बादी का दंश ढोने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों शासन और प्रशासन इन लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए कोई नीति नहीं बनाता। कोमल मेहता, इंडिया 24/7, पिथौरागढ़। तो ऐसा लग रहा है ऐसे प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। तो पिथौरागढ़ के बस्तरी गांव में इस साल आसमान से कहर टूटा, 19 लोगों की मौत हुई, 160 से ज्यादा परिवार यहां प्रभावित हुए। लेकिन अब जो एक रिपोर्ट इसमें सामने आई है, उसने इससे भी बड़े खतरे की यहां पर आशंका जताई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़कों के निर्माण की वजह से पहाड़ खोखले हो रहे हैं, जो आपदाओं को जन्म दे रहा है। उत्तराखंड में तेज बारिश और बादल फटने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में तेज बारिश और बादल फटने की घटनाएं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। पिथौरागढ़ के बस्तड़ी गांव में पूरी पहाड़ी मलबा बनकर गांव के ऊपर आ गई, जिससे गांव के 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं मवेशी, घर और खेत कुछ भी नहीं बचा, जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया, जिसके बाद इसकी वजहों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बस्तड़ी गांव पहले पूरी तरह से सुरक्षित था। यहां पहले भी भारी बरसात हुई, लेकिन ग्रामीणों को किसी तरह के भूस्खलन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 1 जुलाई को हुई भारी बारिश से गांव के ऊपर की पहाड़ी दरक गई, और ढाल के कारण पहाड़ी से गांव तक मलबा पहुंचने में काफी कम वक्त लगा, जिसने बस्तड़ी के साथ कई गांव को अपनी जद में ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस इलाके में सड़क निर्माण और भू उपयोग में परिवर्तन की वजह से भूस्खलन हुआ,
रिपोर्ट के मुताबिक सड़क निर्माण से पहाड़ी कमजोर हुई और भारी बारिश के कारण पहाड़ी पोर प्रेशर को सहन नहीं कर पाई और हादसा हुआ। रिपोर्ट में बस्तड़ी के बचे हुए गांव को भी खतरे की जद में बताया गया। काफी लंबे समय से इस तरह की जो सूचनाएं थी जनपदों से आ रही थी कि कुछ गांव या कुछ बस्तियां भूस्खलन के कारण या भूदशाओं के कारण असुरक्षित हो गए हैं और वहां पर भविष्य में जानमाल को खतरा हो सकता है, तो उसी को लेके हम इन गांवों का सर्वेक्षण जो हमारा डीजीएम विभाग है भूतत्व खनिकर्म विभाग उसके सहयोग से कर रहे हैं और सभी जनपदों में ये वर्तमान में सर्वेक्षण चल रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र की इस रिपोर्ट में उच्च हिमालयी क्षेत्र में सुरक्षित समझे जाने वाले गांव के लिए भी खतरे का संकेत दिया है। असल में राज्य के पहाड़ी इलाकों में विकास का पैमाना सड़कों को मान दिया गया है, लिहाजा राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए विस्फोटकों का प्रयोग भी किया जा रहा है। वहीं बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे सुरक्षित समझे जाने वाले गांव भी इसके जद में आ गए और मौसम में आ रहे बदलाव से बस्तड़ी जैसी घटनाएं बढ़ रही है। भूस्खलन का जो मुख्य कारण है वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि जब चट्टाने बनती तभी उनमें कुछ कमजोरी आ जाती है। दूसरा, चट्टान बनने के बाद चट्टानों की आयु बहुत अधिक लंबी होती है तो उसके बाद भी उनमें कमजोरी संधि के कारण, जिसको हम भूविज्ञान की शब्दावली में जॉइंट बोलते हैं, भ्रंश जिसको फॉल्ट बोला जाता है, उसके कारण भी कमजोरी आती है। तीसरा जो कारण है जो मनुष्य जनित कारण है उसमें लैंडस्लाइड को प्रमोट करने में इन विस्फोटों का बड़ा योग रहता है। जानकारों का कहना है कि 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में करीब 40 पेड़ काटे जा रहे हैं जबकि 80,000 घन मीटर मलबा निकलता है जो नदियों में फेंक दिया जाता है। इससे पानी के परंपरागत चैनल भी प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर खड़िया का खादान भी हो रहा है जो नए भूस्खलन क्षेत्रों को जन्म दे रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हिमालय में मानव बस्तियों को बसाए रखना है तो विकास की योजनाओं पर नए सिरे से सोचना होगा, यानी विकास के नाम पर हिमालय से छेड़छाड़ बस्तड़ी जैसी घटनाओं को दोहरा सकता है, लिहाजा विकास की योजनाएं हिमालय की प्रकृति के मुताबिक ही तैयार करनी होगी। देहरादून से सोनू सिंह और पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।